पहले पहले भैया नमस्ते प्रणाम और नवरात्र की ढेर सारी शुभकामना आप सबको कि माता रानी आज आप सबको इतनी सतबुद्धि भी दे और सन्मत दे, धन दे, दौलत दे, सुकून दे आप सबको कि आप ऐसे ही अपने दुनिया में अपने परिवार में खुश रहें। और इसीलिए मैं आज नवरात्र का पहला दिन है तो मैं सोचा कि आप सबसे एक बार बात कर लूँ और आपका प्यार और मोहब्बत पालूँ, क्योंकि आपके प्यार के बिना हर वो चीज़ मेरी अधूरी रहती है। कोशिश करता हूँ। और आज मेरा गाना भी रिलीज़ हुआ है भाई, मैं आज 6 दिन से सच पूछो तो सो ही नहीं पा रहा हूँ। 3 बजे 4 बजे आ रहा हूँ, 5 बजे तक गाना शूट कर रहा हूँ, उसके बाद फिर 7 बजे 4 बजे 3 बजे आदमी सोता है और 8 बजे उठ के फिर शूटिंग पे जाता है। तो एक मेरा गाना रिलीज हुआ है, 6 साल बाद पाखी जी कम बैक की हैं, क्योंकि ये इनको लगता था कि भोजपुरी इंडस्ट्री में अब यार क्या करूं मैं, क्योंकि इतने बिजनेस में बिजी हो गई, क्योंकि खुद का बिजनेस बहुत है इनका। बट जब ये डांस कर रही थी तो एक बिजली की तरह ये डांस कर रही थी। मैं बोला कि 6 साल बाद अगर इतना अच्छा, तो ये जुनून है एक भोजपुरी के प्रति, और इनका जुनून जो था वो कमाल का, बाप रे। पहली बार इनके साथ मैंने काम किया और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज भी इनके अंदर वो जुनून ऐसा है भोजपुरी भाषा के प्रति, भोजपुरी लोगों के प्रति, भोजपुरी सॉन्ग के प्रति। आदि शक्ति से रिलीज हुआ है मेरा गाना बंगलिनिया, तो आप ढेर सारा प्यार और मोहब्बत दीजिए। एक बार बजाइए विवेक जी। अखिलेश कश्यप जी देखिए, ये हमारा भाई है विवेक, मैनेजर साहब है, जो कि सारा मेरा काम देखता है। ये अखिलेश कश्यप जो गाने के राइटर हैं और बहुत सारे गाना, लहंगा लखनऊ से लेके, दो रुपया से लेके, भतीजवा के मौसी से लेके, मैंने जितने भी हैं। और ये हमारे आज हमारे पंकज भाई हैं, जो कि हमारे भाई हैं। और आप बात कर सकती हैं भैया की ऑडियंस से। हेलो, 6000 लोग। हाय एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमने परसों गाना शूट किया और आज गाना रिलीज भी हो गया। यहाँ पे ये फैक्ट्री बहुत स्पीड में चलती है। कल गाना शूट हुआ और आज गाना रिलीज भी हो गया और गाना 2 मिलियन ऑलरेडी क्रॉस कर रहा है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू अस, थैंक यू। आप सभी का प्यार है जिसके वजह से आज हम लोगों का ये गाना 2 मिलियन हुआ है और हम लोग वेट कर रहे हैं 10 मिलियन हो तो रात को पार्टी की जाए। तो पार्टी जल्दी करनी है, आप लोग जल्दी जल्दी इसको 10 मिलियन बना दीजिएगा प्लीज। और बहुत मजा आया मुझे 6 साल के बाद, मैंने खिलाड़ी जी के साथ में पहली बार काम किया और मैं इतनी एक्साइटेड थी। बहुत ही प्यारा गाना था और करने में उतना ही मजा आया जैसे मैं चाहती हूँ मेरा किरदार रहे हमेशा, उस तरीके का किरदार था निभाने के लिए। तो बहुत खुशी हुई और हाँ, थोड़ा बहुत काम कम किया लेकिन मुझे लगता है जो काम कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही वाल। कभी कभी बड़ी खुशी होती है आपका मोहब्बत देख के कि आप लोग इतने प्यारे हैं कि शायद आपका कर्जा कोई दुनिया का आदमी नहीं चुका सकता है। लव यू, सबको लव यू, दिल से प्रणाम। और पाखी जी को बता देना है कि भोजपुरी में कितना दम है। इनको लगता था जे यार अब मुझे काम नहीं करना चाहिए, लेकिन मैंने एक बार कॉल किया और इन्होंने मेरा सम्मान रखा कि भोजपुरी है नरे पगले आ रही हूँ मैं। और 10 मिलियन एक दिन में जाना चाहिए, मैं 11 मिलियन का केक काट दूंगा क्योंकि मुझे विश्वास है कि वो 10 मिनट में 1 मिलियन और आ जाएगा। तो आप करिए, प्यार और मोहब्बत इतना सुनिए, अगर अच्छा लग रहा है तो सुनिए, जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि मैं जबरदस्ती कोई चीज थोपता नहीं। आप लोग का प्यार और मोहब्बत है और मुझे विश्वास है कि ये गाना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और बिग डैडी इधर है हमारे, बिग डैडी भी कुछ कहेंगे। विकास भैया, इनका ऐसा ही प्यार चाहते रहिए। टेम्पो के ड्राइवर, यही है टेम्पो के ड्राइवर। डांस करो,
अच्छा आप ही ने दबा दिया। नहीं फोन आ जा रहा है ना, गजब गजब। हेलो हेलो लव यू ऑल, दिल से थैंक यू कि आप सबने इतना प्यार किया। 8000 के आसपास लोग मेरे जुड़े हुए हैं, सबको अगर किसी का नाम भी नहीं लिया हो तो प्लीज माफ करना भाई, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं। तो दिल से प्रणाम सबको, और ऐसे ही बंगलेनिया को प्यार करिए। लव यू ऑल, बाय बाय।